आज का टॉपिक है मैक्स स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में। अभी एक्सरसाइज में है क्या, तो ये एक्सरसाइज में आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल यूज करके आपको ये सारे सम सॉल्व करने, हर एक सम में आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल की वैल्यूज काम में आएगी। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, हमने जो हमारा पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर वो टेबल था, ठीक है। और उसके अलावा भी मैंने उसका वीडियो का, खाली ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है उसका एक वीडियो बनाया है, तो वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप वो वीडियो देख लेना, वो टेबल देख लेना, फिर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करना, तो आपके लिए इजी रहेगा। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। इवेल्युएट द फॉलोइंग, हमको यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई है, हमको उसको इवेल्युएट यानी उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा साइन 60 इंटू, देखो ये डॉट यानी क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ये बात याद रखना, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज, उसको होता है डॉट प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, प्लस कॉस 30 इंटू कॉस 60। तो अब जैसे आपने मेरे ख्याल से आपने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल रिवाइज कर लिया होगा, बराबर। तो ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में अगर आप लोग ध्यान दोगे तो साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2। वही टेबल में कॉस 30 क्या होता है, देखो डॉट प्रोडक्ट है, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, आपको डॉट रखना तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई रखोगे तो भी चलेगा। कॉस 30 की वैल्यू है हमारी रूट 3/2, टेबल के अंदर आप लोग चेक कर लेना है वैल्यूज, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है रूट 3/2, प्लस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है टेबल में 1/2, और वैसे ही कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब देखो सबसे पहले अब यहां पे ना आपको थोड़ा बेसिक बोर्ड मास जो आपने फिफ्थ में पढ़ा होगा, पर बेसिक मैक्स बोलते हैं। बोर्ड मास में जो बी है वो काई के लिए स्टैंड होता है, ब्रैकेट, तो यहां पे ब्रैकेट तो नहीं है। फिर उसके बाद आता है ऑफ, यानी यहां पे ऑफ का भी कोई साइन नहीं है। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन, हाँ, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अब देखो मल्टीप्लीकेशन आप लोग कभी भी करोगे ना तो क्या होगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे का नीचे। तो रूट थ्री, रूट थ्री थ्री, टू टू जा फोर, वन वन जा वन, टू टू जा फोर। अब मल्टीप्लीकेशन कर लिया, अब उसके बाद क्या बचा, एडिशन। तो अभी क्या करेंगे, एडिशन। अब देखो एडिशन करते हैं तो यहां पे सबसे पहले क्या चेक करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर, यहां पे है 4, यहां पे है 4, सेम है, तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं 3 + 1/4, तो 3 + 1 = 4/4, तो 4/4 को कट करोगे तो ये हो गया 1, आपका फाइनल आंसर। देखो अगर आपको वैल्यूज मालूम है तो बाद में तो एकदम इजी स्टेप्स है, बहुत इजी सम है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है हमको, देखो 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। अब बस देखो वैसे 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, तो यहां पे भी सेम हमको वही करना है। सबसे पहले देखो 2 तो एज इट इज, tan 45, अब अगर आप लोग टेबल में चेक करो तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 1 द स्क्वायर, cos 30, तो अगर आप लोग टेबल में चेक करो तो cos 30 क्या होते हैं रूट 3/2 द स्क्वायर, रूट 3/2, बट यहां पे स्क्वायर है इसके लिए हमने उसको क्या स्क्वायर दिया है। और वही टेबल में साइन की वैल्यू भी होती है रूट साइन 60 की, देखो साइन की 5 वैल्यू, बट अपने को कौन सी चाहिए उसमें से, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू भी होती है रूट 3/2 द होल स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर है इसके लिए हमने स्क्वायर लिया है। तो अब देखो तो सबसे पहले हम लोग इसके ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास भूलना मत, बोर्ड मास यहां पे भी लगेगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का 3 और 2 का 4, वैसे रूट 3 का 3, 2 का 4। अब चलो 2 × 1, तो 2 × 1 = 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब यहां पे आप लोग अगर ध्यान दो तो प्लस 3/4 माइनस 3/4 को मैं डायरेक्टली कट कर सकता हूं, डायरेक्टली देखो एक बार एक प्लस में और एक माइनस, तो बचा गया हमारे पास 2, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, तो थोड़ा ध्यान देना इसको, ऐसा तो ये जो सम है उसको 2-3 बार आप देखना तो अच्छे से पता चल जाएगा, बराबर। तो चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अब देखो सेम, सबसे पहला काम क्या करेंगे, टेबल में से सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो टेबल के अंदर cos 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2,
फिर sec 30 की वैल्यू होती है हमारी 2 बाय रूट 3, फिर cosec 30 की वैल्यू होती है हमारी 2, बराबर। टेबल में से मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी, बराबर, टेबल आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। फिर 1 बाय रूट 2, 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3। मैंने यहां पे क्या किया बच्चा लोग, एलसीएम लिया, क्या करा मैंने यहां पे, एलसीएम। देखो न्यूमरेटर में तो एक ही वैल्यू, तो वहां पे तो कोई कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। डिनोमिनेटर में दो वैल्यू और दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस, प्लस होता है और क्या करना पड़ता है हमको, एलसीएम। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई और इसको रूट 3 से, तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3। अब चलो हमने एलसीएम ले लिया, अब इसके आगे हो पाएगा ये सम सॉल्व, नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे। तो यहां पे अभी नीचे डिनोमिनेटर में वो कहां पे आएगा, ऊपर न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब रूट 3 बाय 2 प्लस 2 रूट 3, बराबर। तो यानी यहां पे जो न्यूमरेटर था वो यहां पे क्या हो गया, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर, बराबर। तो अब यहां पे क्या होगा, देखो अब मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन है सिंपल सा, ऊपर का ऊपर, यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो 1 इंटू रूट 3 और यहां पे रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 रूट 3, तो 1 इंटू रूट 3 तो रूट 3, 2 इंटू रूट 2 तो 2 रूट 2, बराबर। अब रूट 2 रूट 3 तो दोनों रूट्स वाली वैल्यू मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो, तो यहां पे इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, प्लस 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 2, 3 जा 6, बराबर। अब जरा सा हम लोग नाइन्थ में जाएंगे, नाइन्थ के फ्लैशबैक में। अब आपको याद होगा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, क्या करते थे हम लोग, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते थे, तो बस वही चीज हमको अब यहां पे करनी है। देखो अपॉन में तो हम लोग डिनोमिनेटर में भी कभी इरेशनल नंबर नहीं रख सकते, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज। अब जैसे 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6, तो इसको क्या करने का हमको, देखो रूट 3 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 है, तो उसको देखो यहां पे अगर प्लस है तो क्या करेंगे, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 से मल्टीप्लाई, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 से डिवाइड, प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड। अब क्या करोगे आप लोग, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे का नीचे, रूट 3 इंटू 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, और नीचे 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 2 माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई है, बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई होगा, मिस्टेक हो गई थी पहले, माइनस 2 रूट 6। अब देखो तो सबसे पहले मैं रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 तो एज इट इज, 2 3 जा 6, तो यानी 2 रूट 6। फिर अब देखो यहां पे जरा 2 3 6 जा 18। अब नीचे अगर आप लोग देखो तो 2 रूट 2 2 रूट 2 2 रूट 6 2 रूट 6, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो आपको एक आइडेंटिटी याद करा दूं, a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम कंडीशन यहां पे, सॉरी सेम कंडीशन यहां पे है, तो मैं लिख सकता हूं 2 रूट 2 द स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 द स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते, देखो यहां पे साइड में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं कि पेज टर्न ना करना पड़े। अब देखो अब यहां पे जरा आप लोग ध्यान दो, तो देखो 2 रूट 6 को तो आप लोग कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 2 रूट 6 तो ऐसा का ऐसा। अब यहां पे जैसे 2 रूट 18 है तो आप लोग उसको लिख सकते हो 9 इंटू 2, 18 को हम लोग क्या लिखेंगे, 9 इंटू 2, और हमको क्या करना है, 2 रूट 2 द स्क्वायर, क्या करना है, 2 रूट 2 द। तो अब यहां पे देखो किस तरीके से, तो अब सबसे पहले एक बात बताओ, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर, सॉरी रूट 6 है, रूट 6 का स्क्वायर 6, ठीक है। अब देखो चलो 2 रूट 6 माइनस 2, 9 यानी क्या होता है, 3 द स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 4 2 जा 8 माइनस 4 6 जा 24। अब 2 रूट 6 माइनस 2 इंटू 3 रूट 2, देखो 3 पे स्क्वायर है तो वो क्या होगा, रूट के बाहर आ जाएगा, वो क्या होगा, रूट के बाहर, और 8 माइनस 24। अब देखो चलो 2 रूट 6 माइनस, यहां पे क्या है हमारे पास, 6 रूट 2 अपॉन माइनस 16 अपॉन माइनस 16। अब देखो अब यहां पे ध्यान देना जरा, अब हम लोग ना डायरेक्ट कट नहीं होगा, कैंसलेशन कैसे होगा, दोनों में से कॉमन निकालेंगे। अब जैसे यहां पे 2 रूट 6 माइनस 6 रूट 2, तो 2 और 6 में से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं,
देखो ये मैंने टू कॉमन निकाला है, ये ध्यान देना बच्चे लोग आप लोग, मैंने टू यहाँ पे क्या करा है कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे क्या बचेगा रूट सिक्स, यहां से सिक्स को टू से तो थ्री रूट टू बराबर, और नीचे माइनस सिक्सटीन तो वन एट। अब क्या बचा हमारे पास देखो जरा, रूट सिक्स माइनस थ्री रूट टू अपॉन माइनस एट। अब देखो नीचे नेगेटिव नेगेटिव के साइन नहीं होगी तो माइनस के साइन ऊपर भेज देंगे बराबर, तो रूट सिक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर रूट सिक्स माइनस थ्री रूट टू अपॉन एट, तो प्लस देखो माइनस माइनस प्लस तो थ्री रूट टू प्लस माइनस माइनस रूट सिक्स बाय एट, ये आपका फाइनल आंसर। पहले ही बता रहा हूं ये सम दो या तीन बार देखना तो आपको पता चलेगा बराबर, वैल्यूज का जो सिंप्लीफिकेशन है उस पर खास फोकस करना ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर फोर। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर में हमको यहां पे क्या बोला गया है, क्या दिए गए वैल्यू, साइन 30 प्लस 1045 माइनस कॉसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब देखो सेम वही चीज करनी है, क्या टेबल में से सबकी वैल्यू प्लेस करेंगे, तो टेबल में अगर आप लोग ध्यान दो तो sin 30 की वैल्यू होती है 1 बाई टू प्लस cos 45 की वैल्यू होती है 1 सॉरी 1045 इट्स नॉट cos 45 इट्स 1045 1045 की वैल्यू होती है 1 cosec 60 की वैल्यू होती है 2 बाय रूट 3 अपॉन अपॉन में क्या है sec 30 टेबल में आप लोग ध्यान दो तो sec 30 की वैल्यू होती है 2 बाय रूट 3 cos 60 की वैल्यू होती है टेबल में 1 बाय 2 और cot 45 सॉरी cot 45 की वैल्यू होती है 1 cos 60 1 बाय 2 cos 60 1 बाय 2 और cot 45 1। अब यहां पे सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को दोनों को इंडिविजुअली पहले सॉल्व करेंगे बराबर। तो देखो न्यूमरेटर में अगर आप लोग ध्यान दो 2 1 और रूट 3 तो इसका एलसीएम कितना होगा 2 रूट 3 होगा, एलसीएम कितना होगा 2 रूट 3। अब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा रूट 3 से और 1 को किससे 2 रूट 3 से और इसको किससे 2 से, नीचे भी सेम वही है तो रूट 3 2 और 1 तो इसको किससे 2 से इसको रूट 3 से और इसको 2 रूट 3 से। अब चलो रूट थ्री से मल्टीप्लाई करो तो दोनों को करने का रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री प्लस टू टू रूट थ्री इंटू वन तो टू रूट थ्री माइनस और ये टू टू जा फोर अपॉन रूट थ्री, नीचे देखो आप लोग जरा टू टू जा फोर रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री और टू रूट थ्री अपॉन टू रूट थ्री। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली कट हो जाएगा टू रूट थ्री टू रूट थ्री। अब बचा क्या हमारे पास रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री माइनस फोर फोर प्लस रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री। अब अगर आप लोग ध्यान दो तो ये दोनों लाइक टर्म्स है रूट थ्री टू रूट थ्री तो अब देखो इसका आगे कुछ में तो वन कंसिडर करेंगे वन प्लस टू थ्री रूट थ्री माइनस फोर सेम यहां पर कंडीशन है थ्री रूट थ्री प्लस फोर इसको मैंने खाली अरेंज कर दिया साथ साथ मैंने इसको साथ साथ में क्या कर दिया अरेंज। अब वापिस एक लोचा क्या लोचा डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर तो वो तो हमको चलेगा नहीं तो वापिस हम लोग क्या करेंगे इसको रेशनलाइज क्या करेंगे वापिस हम लोग इसको रेशनलाइज तो थ्री रूट थ्री प्लस फोर तो इसको क्या करेंगे थ्री रूट थ्री माइनस फोर से मल्टीप्लाई थ्री रूट थ्री माइनस फोर से डिवाइड। अब सेम वही चीज ऊपर का ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे का नीचे तो थ्री रूट थ्री माइनस फोर इंटू थ्री रूट थ्री माइनस फोर और नीचे थ्री रूट थ्री प्लस फोर थ्री रूट थ्री माइनस फोर। अब देखो ऊपर कैसा है थ्री रूट थ्री माइनस फोर थ्री तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो थ्री रूट थ्री माइनस फोर द होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग क्या लिखेंगे थ्री रूट थ्री माइनस फोर द होल स्क्वायर और नीचे नीचे देखो वापस वही कंडीशन है कौन सी कंडीशन है ए माइनस बी और ए प्लस बी तो वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहां पे पहले टर्म गया थ्री रूट थ्री तो थ्री रूट थ्री द स्क्वायर माइनस और ये क्या होगा फोर द स्क्वायर। अब आपको एक बात बता दो थ्री रूट थ्री माइनस फोर तो थ्री रूट थ्री माइनस फोर द होल स्क्वायर है तो उसके पहले आपको एक आइडेंटिटी मैं याद करा दू ये रफ वर्क में ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसी एक आइडेंटिटी थी ना तो बस वो आइडेंटिटी यहां पे यूज करेंगे तो यहां पे क्या होगा थ्री रूट थ्री द स्क्वायर
माइनस 2 इंटू 3 रूट 3 इंटू 4 प्लस 4 द स्क्वायर। क्लियर है? 3 रूट 3 द स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 रूट 3 इंटू 4 प्लस 4 द स्क्वायर। अब देखो, अब इसका स्क्वायर निकाल लें तो 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का 3, 4 का स्क्वायर 16। अब सेम, चलो मैं बाजू वाले पेज पर कंटिन्यू कर रहा हूं, तो ध्यान देना आप लोग, 3 रूट 3 का देखो, 3 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का 3 माइनस, अब देखो यहां पे ध्यान देना जरा, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, तो माइनस 24 रूट 3 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखो 9 3 जा 27 माइनस 16, सेम यहां पे 27 माइनस 24 रूट 3 प्लस 16, और 27 माइनस 16 कितना होगा 11। अब 27 और 16 लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है तो उसका क्या होगा एडिशन, तो 27 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। देखो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बराबर, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना, बराबर। सॉरी, अब देखते हैं हम लोग हमारा लास्ट सम आज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हमको क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो सेम, सबसे पहला स्टेप क्या, टेबल में से सारी वैल्यूज यहां पे प्लेस करी जाएगी। तो देखो 5 तो एज इट इज साइन, सॉरी cos 60, तो टेबल के अंदर cos 60 कितना होता है 1 बाई 2 द स्क्वायर, cos 60 द cos स्क्वायर 60 तो यानी उसकी वैल्यू का क्या लेने का, स्क्वायर लेने का, प्लस 4 sec 30, sec स्क्वायर 30 यानी टेबल के अंदर sec 30 की वैल्यू 2 बाय रूट 3 द स्क्वायर माइनस 10 45, 10 स्क्वायर 45 यानी 10 45 की वैल्यू 1 और 1 द स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चा 1 बाय 2 द स्क्वायर और cos 30 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 बाय 2 द स्क्वायर। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो तो सबसे पहले क्या सिंप्लीफाई होगा, ब्रैकेट, तो अब देखो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हुए तो 5 तो एज इट इज 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 एज इट इज 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 रूट 3 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब न्यूमरेटर में देखो तो 5 1, अब देखो मल्टीप्लीकेशन होगा तो मल्टीप्लीकेशन कैसा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे का नीचे, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो क्या कंसिडर करोगे 1 1, तो 5 1 जा 5, 4 1 जा 4 प्लस 4 4 जा 16, 3 1 जा 3 माइनस 1। अब न्यूमरेटर में जरा फोकस करो, 4 4 डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, डिनोमिनेटर में भी ये बराबर 1 प्लस 3 बाय 4। देखो यहां पे आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को भी सिंप्लीफाई करना है साथ ही साथ डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई करना है, बराबर। अभी हम लोग देखो, अभी हमने ये दोनों के बीच को कैलकुलेशन नहीं किया, अभी हम लोग ऊपर के न्यूमरेटर को पहले सॉल्व कर रहे हैं और नीचे डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व करें, बाद में उसको साथ में सॉल्व करेंगे जब दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा जब दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म, अब यहां पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 3 का एलसीएम कितना होता है 12। अब एक बात बताओ जरा, 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 12 आएगा, 3 से, 3 को किससे करूंगा 4 से, और 1 को किससे करूंगा 12 के लिए 12 से। चलो अब अगर मैं 3 से कर रहा हूं ना तो न्यूमरेटर भी होगा, क्या होगा बेटा न्यूमरेटर भी, 5 3 इज 15, 4 16 इज 64, 12 1 इज 12 और हो सबका कॉमन एलसीएम है 12, नीचे देखो 3 प्लस 1 4 बाय 4। अब चलो इसको मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं, कितने में हो जाएगा सम, टेंशन मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है। तो अब देखो तो सबसे पहले 15 प्लस 64 कितना होता है, 15 प्लस 64 अगर आप लोग करो तो 79 माइनस 12 बाय 12 और नीचे क्या बचा डिनोमिनेटर 1, ये कट हो गया क्या बचेगा 1। तब देखो डिनोमिनेटर में आप लोग 1 लिखो ना लिखो बात तो एक ही है, 79 माइनस 12 बाय 12 ओवरऑल बचा, अब 79 माइनस 12 67 बाय 12। अब इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वापस आपको रिमाइंड करा दूं, टेबल भूलना मत, टेबल पक्का कर लेना,
वीडियो में एकदम शॉर्टकट एकदम इजी वे में बताया, टेक्स्ट बुक से थोड़ा डिफरेंट है बट इजी आपको याद करने में ट्रिक्स में, ठीक है।